बेटे इस क्वेश्चन का नाम मैंने रखा है SKB1। SKB का क्या फुल फॉर्म है? सबका बाप। SKB सबका बाप। इसमें सारे पॉइंट कवर किए हुए हैं, इसलिए मैंने इसका नाम SKB रख दिया। अब ये है बेटे आपका ओपनिंग बैलेंस, ये है रिसीट, ये है इशू, एक यहां पर है इशू रिटर्न, परचेज रिटर्न, और ये है इशू रिटर्न, और एक शॉर्टेज। तो सारे पॉइंट डाल दिए, ठीक। पहले फीफो से करके दिखा रहे हैं। 1 जनवरी को 500 यूनिट है 20 रुपए के। 1 जनवरी बैलेंस 500 यूनिट 20 रुपए के, 10,000 के हो गए। क्लियर? कितने के हो गए? 10,000 के। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट डेट देखिए, 3 जनवरी आ रही है, 24 रुपए के हिसाब से 800 यूनिट आए हैं। 3 जनवरी 24 रुपए के हिसाब से 800 यूनिट, ये हो गए 24 × 800 19,200, और हमारा बैलेंस हो गया 520 रुपए वाला पुराना 10,000 का, 824 वाला नया लाइन में लगा दिए 19,200, और टोटल माल 29,200। कोई डाउट? अब 3 तारीख के बाद देखिए नेक्स्ट डेट क्या आ रही है। 5 जनवरी आ रही है, 250 यूनिट। 5 जनवरी 250 यूनिट, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आगे से इशू करो। तो ये जो 20 रुपए वाला माल है, ये वाला माल इशू करोगे 250 यूनिट, 20 रुपए के हिसाब से इशू करोगे 5,000 के, और इसमें से 250 ही बच जाएंगे 20 रुपए के हिसाब से 5,000 के, 800 यूनिट 24 रुपए के हिसाब से 19,200 के, और टोटल माल 24,200 का। हाँ के ना? उसके बाद अगर आप डेट वाइज देखेंगे तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो रही है 8 जनवरी को, 400 यूनिट आ रहे हैं 25 के हिसाब से। तो 8 जनवरी को 400 यूनिट 25 के हिसाब से 10,000 के आ गए। अब ये माल लाइन में लग जाएगा, 250 वाले पड़े, 250 यूनिट पड़े 20 वाले, 800 यूनिट पड़े 24 वाले, और 400 यूनिट आ गए 25 वाले। पहला माल 5,000 का है, दूसरा 19,200 का है, नया माल 10,000 का है, टोटल 34,200। अब डेट वाइज नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, 8 के बाद 15 है, 400 यूनिट इशू हो रहे हैं, फीफो मतलब आगे से इशू करोगे 15 तारीख को 400 यूनिट, 250 पहले वाले हो जाएंगे, 150 24 वाले होंगे, ये 20 वाले हो गए, ये 24 वाले, 20 वाले हुए 5,000 के, और 24 वाले हुए 3600, टोटल 8600। ये हो गए 650 के 24 यूनिट, ये हो गए 400 25 यूनिट, 650 के हिसाब से 24 कितने के हुए? 15,600 के, और ये है 10,000, टोटल माल 25,600। 25,600 का टोटल माल। अच्छा लगा? 15 तारीख के बाद देखिए 17 तारीख, 500 यूनिट 28 रुपए के हिसाब से रिसीव हुए,
ये हो गए 14,000। अब 650 पढ़े 24 वाले, 400 पढ़े 25 वाले और 500 आ गए 28 वाले। पहला माल 15,600, दूसरा माल 10,000, तीसरा माल 14,000, टोटल 39,600। मजा आ रहा है। 17 तारीख के बाद आप देखिए 20 की ट्रांजेक्शन, देखिए ये वाली 20 की, कहता है जो माल 8 को खरीदा था वो 200 यूनिट वापस होंगे। अब इधर देखना ध्यान से, 8 का माल हमने ये खरीदा था, इसमें से 200 यूनिट वापस हो रहे। चेक करो ये पड़ा है हमारे पास, आहा पड़ा है। तो अगर पड़ा होता है तो उसी रेट वापस करते हैं जिस रेट लिया होता है। थोड़ा कलर भी चेंज कर दें इसका, पूछिए क्यों। वैसे अगर मैं ब्लू ब्लू में लिख रहा होता तो रिटर्न को रेड में लिखता, अब मैं लिख किस में रहा हूं रेड में, तो रिटर्न ब्लू में लिख देता हूं। ठीक है, तो ये पीआर हो गई मतलब परचेज रिटर्न। तारीख 20/1, 200 यूनिट किस भाव, 25 के भाव, कितने के, 5,000। वापिस रेड पेन पे चला जाता हूं, 650 24 के, 225 के, 528 के। पहला माल 15,600, दूसरा माल 5,000, तीसरा माल 14,000, टोटल 34,600। कैसा लगा। अब 20 तारीख के बाद देखिए 27 की ट्रांजेक्शन, 100 यूनिट रिटर्न हुए, इशू रिटर्न, इशू से रिटर्न हुए, मतलब हमें मिले। कब बेचे थे, 5 तारीख। अब इधर देखो, 5 तारीख को ये कितने के बेचे, 20 के। तो इसको लेंगे भी किस रेट, 20. लेंगे भी किस रेट, क्या तारीख है, 27 इशू रिटर्न, 100 यूनिट है ना, 20। अब सुनने वाली बात है, अब ना सुनने वाली बात है, सुनने वाली बात क्या है, अब ये सबसे पहले इशू होंगे। तो वैसे तो जब भी माल आता है हम कहां रखते हैं, पीछे, इसको हम सेफ्टी के लिए कहां रख देते हैं, आगे, ताकि ऑटोमेटिकली अगली बार सबसे पहले यही इशू हो। पांच सौ यूनिट 28 के, पहला वाला माल 2,000, दूसरा 15,600, तीसरा 5,000, चौथा 14,000, टोटल माल 36,600। अब 27 के बाद अगली ट्रांजेक्शन 28 की है, 500 यूनिट इशू है, आहा सबसे पहले 100 इशू हो जाएंगे 20 के हिसाब से, फिर 400 24 के हिसाब से, 2,000 9,600, टोटल 11,600। अब बचेगा क्या, 100 तो चले गए, 650 में से 400 गए, 250 24 के, 200 25 के, 500 28 के, पहले वाला 6,000, दूसरे वाला 5,000, तीसरे वाला 14,000, टोटल माल 25,000। कैसा लगा जी, मस्त। अगली ट्रांजेक्शन 29 तारीख की है, 100 यूनिट शॉर्ट,
तो शॉर्ट वाले कहां चले जाएंगे? CPL या P&L लिख दो, 100 यूनिट जो शॉर्ट हो गए। एज पर मेथड 24 रुपए के हिसाब से 2400, अब बैलेंस 124 वाले, 225 वाले, 528 वाले। पहला माल 3600, दूसरा माल 5000, तीसरा माल 14000। देखना कितना हुआ टोटल, सब मिला के 22600। कैसा लगा बताइए, मजा आया पूरा फीफो? बहुत बहुत मुबारक हो। ओ, मैंने इस ऊपर वाली फिगर देख ली। किस किस का सही था? मस्त, क्लियर हो गया ना बिल्कुल। मैंने आपको थ्योरी इतनी अच्छी बता दी थी, नोट करो सारे पॉइंट, वो कवर हो गए। थ्योरी में मैंने आपको अच्छे से 3-4 एग्जांपल देके समझा दिया था। अब ये तो बस प्रैक्टिस के लिए था। इसको मानोगे एसके भी है ये, इसमें सारे पॉइंट है। इश्यू रिटर्न भी है, परचेज रिटर्न भी है और शॉर्टेज। मजा आ गया।